ऊपर जा, ऊपर 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 रुको। अबे रुक तो जा। ओ ओ ओ गया गया ओ गया ओ गया ओ गया ओ गया ओ गया। पकड़ो 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 पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब के? अच्छा तो भाई, काफ़ी टाइम से मैं ड्रोन फ्लाई करता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मल्टीपल ड्रोन्स हैं, मैंने मैविक 3 सिनी भी मेरे पास है और डिफरेंट। आज एक शूट पे आया हूँ, ये मेरे पास ड्रोन है। अच्छा, ये जो ड्रोन है ये है मैविक एयर और तकरीबन ये भी अभी 3 साल हो गए इसको लॉन्च हुए हुए। काफ़ी ज़्यादा मेरी जो ट्रैवलिंग होती है, ट्रैवलिंग के अलावा भी मैं कमर्शियल काम कर रहा होता हूँ, मैं कॉर्पोरेट काम कर रहा होता हूँ, ड्रोन फ्लाई मैं बहुत कर रहा होता हूँ। अच्छा, कोशिश मेरी ये इस वीडियो में जो आपको बताने की, दिखाने की, वो ये है कि मेरे पास सिर्फ एक नहीं, इस मरतबा 2 ड्रोन्स। अच्छा, प्राइस बहुत डिफरेंस है। काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं कि यार आपके जो ड्रोन है कौन सा ड्रोन है, कितने की प्राइस है। इसको मैंने लिया था 1.5 लाख रुपये का। तो अब ये 3 साल पहले का ड्रोन है, 1.5 लाख रुपये का लिया था। अब मेरे ख्याल में आपको शायद 70-80 हज़ार रुपये का ये यूज़ में मिल जाता है। न्यू नहीं आ रहा अभी, ये यूज़ में आपको 70-80 हज़ार रुपये का मिल जाता है। तो भाई आज मैं आपको वीडियो के अंदर ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बहुत सस्ता था, हज़ारों गुना इससे सस्ता, सिर्फ और सिर्फ 3 हज़ार रुपये का एक ड्रोन है, वो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, उड़ा के दिखाने वाला हूँ और आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या आपको उसको ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर वो आपको किस किस्म की फ़्लाइट एक्सपीरियंस सिखाएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बात नहीं करते, आपको दिखाते हैं उसको फ्लाई करके। ये 2 ड्रोन्स इनको हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इसकी फ्लाइट टाइम और इसका भी फ्लाइंग स्टाइल और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि इसके अंदर कैमरा नहीं है, ये सिर्फ एक टॉय ड्रोन है और इसके अंदर प्रॉपर कैमरा, ये प्रोफेशनल ड्रोन है। तो टॉय ड्रोन कंपेयरिंग विद प्रोफेशनल ड्रोन, भाई इसका सीन ऐसा है कि इसका गेस्चर से कंट्रोल होता है। ये रिमोट कंट्रोल से भी आपको मार्केट में ऐसे मिलते हैं कि रिमोट कंट्रोल से भी होते हैं और ये गेस्चर से भी होते हैं। तो यहाँ पे सेंसर और हैंड गेस्चर से होते हैं। यार इतना छोटा है ना ये, कैमरे में हमारा सही नहीं आएगा। ओ ओ ओ गया गया ओ गया ओ गया ओ गया ओ गया ओ गया। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे अरे अरे, फिर से कर। अच्छा, इसको गेस्चर कंट्रोल के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रेन होने के लिए, क्योंकि अभी देख सकते हो, देखें इसके ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ कोई खास बटन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ गेस्चर आपके हैंड गेस्चर से आपको करना पड़ता है। ओ मज़े की बात यह है कि ये इतना ड्यूरेबल है कि इतना अच्छा फ्लेक्सिबल है कि अगर ये गिरता भी है टूटता नहीं है ये, तो इसका डैमेज का सीन ऑलमोस्ट समझ लें कि मेरे ख्याल से नॉट पॉसिबल वाला सीन है अगर इसके ऊपर आप कोई चढ़ के ना जाओ, क्योंकि ऊपर से जितना भी फेंक दो उसको टूटता नहीं है। ये देखें, ये टूटता नहीं है। तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, इसकी बैटरी वैसे बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाती है, मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल पायलट हूँ ड्रोन का। सलमान प्रोफेशनल पायलट नहीं है, लेकिन ये टॉय ड्रोन बहुत अच्छा सीख चुका है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी इसको उड़ाना सीखूँ इससे पहले कि इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए। ये देखें इसके, ये तो माइक्रोवेव के बैक साइड में घुस गया। निकालो 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 निकालो। इसका फ्रंट कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, फ्रंट मेरे घर में। अच्छा सही है, इसका फ्रंट बोर्ड। ओ ऊपर जा, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। अबे रुक तो जा भाई, ये इतना सही खिलौना है। इसकी चार्जिंग भी तकरीबन आपको हम 2 मिनट भी नहीं मिली हमें, है ना, फ्लाइट टाइम 2 मिनट भी नहीं मिला, लेकिन डब्बे के ऊपर 8 मिनट लिखा हुआ था, तो 2 मिनट भी हमें फ्लाइट टाइम नहीं मिला, लेकिन इसको खेलने का बड़ा मज़ा है। और हमने इसको चार्ज भी फुल नहीं किया, वैसे हमने 10 मिनट को चार्ज किया था और 2 मिनट इसने फ्लाइट दी थी, शायद ये हमें 8 मिनट दे दे, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ है, खेलने वाली चीज़ है।
अगर आप शौकीन हैं ड्रोन फ्लाई करने के, सस्ते वाले ड्रोन, और मैं कहूँगा यार ये बच्चों को दें, अपने बच्चों को दें ताकि आपके बच्चे इस चीज़ से सीखें, उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर होने का आराम से मौका मिल सके। चीज़ अच्छी है, और अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो फिर बच्चों को ये देना है। ये प्रोफेशनल है, इसके अंदर सेंसर्स होते हैं, इसके अंदर कैमरा होता है, इसके अंदर ऑप्टिकल अवॉइडेंस होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन ये जाहिर सी बात है ये एक्सपेंसिव होता है, तो मज़ा आया और कोशिश करेंगे ऐसे कोई और प्रोडक्ट मिले वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये ड्रोन से रिलेटेड तो हमारा थोड़ा अपना शौक था, हम आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी समझा।